Very, very warm welcome, man. Such a pleasure to see you once again. I know. I think जज करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. ये मेरा तीसरा साल है एज अ जज इन मिसेज इंडिया. और बहुत लोगों को लगता है कि शादी करने के बाद शायद आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं और फिर आप अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने बारे में स्पेशली वुमेन कम सोचना लगते हैं. सो आई माई सेल्फ हैव बीन गिल्टी ऑफ दैट. तो इसीलिए एक यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन मिसेज इंडिया जो मैरिड वुमेन की ड्रीम सपोर्ट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट. इन टर्म्स ऑफ कौन होगा मिसेज इंडिया, आई एम एक्साइटेड टू मीट द कंटेस्टेंट्स एंड आई नो दैट द वुमेन विल बी इट बी चैलेंजिंग बिकॉज ऑलवेज द वुमेन आर इट्स ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अकेले जज नहीं हूँ, और भी जजेस होंगे और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के बीच में बांटना होगा. आई थिंक कि एक क्वालिटी जिसका हम उसे नाम नहीं दे सकते हैं, इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी है. और खूबसूरत का मतलब है कि अट्रैक्टिव क्वालिटी, जहाँ पे आप उस शख्स को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं. आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. और एक चाह, कुछ एक जिद, वो अपने लाइफ के साथ कुछ करना चाहती है, अपने आप को साबित करना चाहती है, वो एक उनमें दिखना चाहिए. थैंक यू सो मच. वी विल बी इट इज बीन अ रूटीन नाउ इट इज बीन अ रूटीन नाउ एंड आई थिंक शो फील्स लाइक इनकम्प्लीट इफ सोहा इज नॉट देयर. एंड एज आई मेंशन कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि ऐसी महिलाएं होती हैं जो ऐसा कुछ हासिल कर लेती हैं जिससे आने वाली औरतों को, आने वाली यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलता है. एंड आई थिंक सोहा इज़ वन ऑफ दैट इंस्पिरेशन, वन ऑफ द पर्सनैलिटी जिनको देख के हम सीखते हैं. आई थिंक ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट, इमोशनली फिट, फिजिकली फिट. उससे मुझे तो खुशी भी मिलती है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Hello Mohini ma'am and hello Vivek sir. How are you? I am good and it's such a pleasure and an honor. Dobara sari cheeze hindi mein? Yaar main bahut zyada khush hu aaj. Mujhe lagta hai ki Mohini ji ne aur unke jo pure organization ne ek manch diya hai itni sari auraton ke liye apni jo unka ek bachpan ka sapna hai use pura karne ke liye, saakar karne ke liye apni bhitar ke jo talents hain us talent ko ek manch diya, ek platform diya jahan pe wo चमक सकती हैं, जहाँ पे वो सितारे बन सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. लेकिन मेरे दिल को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ बात है, जो छूती है, वो ये है कि मोहिनी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जो पिछले 20 साल से हमने कई हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की है जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं और बहुत मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उनकी हमने मदद की है. और इस मदद में, इस मुहिम में मोहिनी जी और आज की सारी जो ब्यूटी क्वींस है, जो सारी कंपेटिटर्स हैं, अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि पिछले 4 साल में आपके माध्यम से, आपके सारी कंपेटिटर्स के माध्यम से, हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपये रेज किए हैं. और इस पैसे से 350 से ज़्यादा नन्ही जाने जिनको कैंसर है, गरीब घर के,
किसानों के बच्चे, उनकी मदद हुई है, उनकी जानें बचाई गई हैं। सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। मैं हमेशा ये सोच रखती हूँ, और मानती हूँ कि हम सिर्फ ज़रिया होते हैं। तो मैं खुद को और इस प्लेटफॉर्म को एक ज़रिया कहना चाहूँगी कि मैं हर साल हज़ारों लेडीज़ को इस संस्था से जोड़ सकी और ये ज़रिया बनकर फंड रेज कर सकी और कहीं पे मदद पहुँचा सकी। और कहा जा रहा है कि शादी के बाद औरतों का जो करियर है वो ख़त्म हो जाता है, पूरा घर की तरफ हो जाती है, लेकिन आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया मिसेस के लिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको किसने इंस्पायर किया? सो कहा जाता है कि आपको, आपके पास दो ज़िंदगी होती है और दूसरे का एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी एक ही ज़िंदगी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो बस मिसेज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, वो स्टेज, ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस और उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। तो यहां पर ही वो ये अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज करती है। मोहिनी जी, जैसे कहा अभी मिसेज़ के बारे में कि दो ज़िंदगियाँ होती हैं, मेरा ये मानना है कि हर लेडी के दो ज़िंदगी के अलावा दो करियर भी होते हैं। और एक करियर ये होता है घर संभालना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना। जब कोविड हुआ था बीच में, तो मेरे लिए जीवन में पहली बार एहसास हुआ और अप्रिसिएशन हुआ कि प्रियंका मेरे घर में कितना कुछ संभालती है। क्योंकि जब मैं घर पे था तब मुझे सारी चीज़ें नज़र आने लगी कि कितना बिजी रहती हैं, बच्चों को किस तरह से सही संस्कार, सही वैल्यूज़ के साथ में बड़ा करना, उनको प्यार देना, एक सुंदर घर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। औरतें जो हैं वो मर्दों से डबल मेहनत करती हैं और मुझे लगता है ये मंच एक अप्रिसिएशन है उस बात का। सारी मिसेज जो हैं उन सबको मेरी तरफ से सल्यूट है। और जब ब्यूटी के अलावा हम इनर ब्यूटी पे फोकस करते हैं, जिनका सिर्फ चेहरे ही नहीं सुंदर हैं बल्कि दिल भी सुंदर हों, जो एक्चुअल दूसरों के गरीब बच्चों के लिए, कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए इतना अच्छा पहल जो उठा रहे हैं, तो उनके लिए आई विश देम नॉट ओनली बेस्ट ऑफ लक फॉर टुनाइट्स कॉम्पिटिशन बट बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। गॉड ब्लेस। हाँ, 30 जून को मेरी फिल्म कड़ुआ रिलीज़ हो रही है। पिछली बार जो मैंने मलयालम में फिल्म की थी लूसिफर, बहुत बड़ी हिट रही। उसी टीम के साथ में पृथ्वीराज, जो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, उनके साथ में मैंने ये फिल्म बनाई। और ओरिजिनली मैं ये फिल्म शायद करने भी नहीं वाला था, जब पृथ्वीराज का फ़ोन आया और उसने मुझे कहानी सुनाई, मुझे इतनी पसंद आई कहानी, इतना मज़ा आया कि मैंने कहा कि वी मस्ट डू दिस फिल्म टुगेदर। तो डेटें एडजस्ट करके, क्योंकि मैं उस समय रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स के लिए शूट कर रहा था, तो किस तरह से सारे डेट्स को एडजस्ट करके मैंने ये फिल्म कंप्लीट की है। और बहुत फास्ट टाइम के अंदर बहुत हाई क्वालिटी फिल्म कंप्लीट हुई है। सो वी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच विवेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस आवर वेरी ओन मोहम्मद अज़रुद्दीन। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ, इससे पहले मैं मिस इंडिया का मैं 2000 में किया था, बट मुझे एक सुनहरा मौका है कि मिसेज इंडिया को जज करने का। तो मैं समझता हूँ कि किसी का करियर कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये तो पब्लिक का परसेप्शन होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो शादी हो गई तो करियर ख़त्म हो गया, उसका मतलब है अगर क्रिकेट प्लेयर की शादी हो गई तो खेलना नहीं चाहिए। तो सेम थिंग। नो, आई थिंक मैसेज यही दूंगा कि मैं लाइक आई नो मैन, मैं समझता हूँ कि लोग अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होंगे और जो भी
मीन अच्छा क्वेश्चन आंसर करेगा. आई थिंक दोनों भी ब्यूटी एंड ब्रेन मोर इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच. This event, because like I said that we, Mohini and I both, we want to bring the crown back because it's been 20 years. We have many Miss Worlds, Miss Universes, but we don't have any other Mrs. World. So it's time, and why not? I mean, we have such beautiful Misses in our country. So it's time that we bring the crown back. So this event is extremely important to me. Well, I have been sharing the tips with them all the time. Even before coming here out right now, I was talking to them because obviously they are nervous, they are anxious. So I helped them calm their nerves down. So that's pretty much what I have been doing these last few days when we were training them. Well, there are a couple of other OTT series that are in the pipeline. One will release in September and one will release next year. Well, it's changed completely क्योंकि जब मैं गई थी इस पैजेंट में तो तभी किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा पैजेंट एग्जिस्ट करता है. हालांकि ये पैजेंट 1984 से चला आ रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में तभी शादीशुदा तो की बात छोड़ो, लेकिन कोई रिलेशनशिप में भी रहता था तो वो भी वो क्वाइट रखते थे, वो आते नहीं थे बाहर बिकॉज ऑफ दैट इमेज के एक बार आप रिलेशनशिप में हो या शादी हो गई मतलब ग्लैमर फील्ड में आपका करियर ख़त्म. तो मुझे वो जो परसेप्शन था, वो स्टीरियोटाइप था, वो मुझे चेंज करना था. तो जब मुझे मिसेस वाडिया, मिसेस मॉरिन वाडिया ने कहा कि तुम्हें जाना है, सो आई सेड यस व्हाई नॉट, बिकॉज क्यों ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर गेटिंग मैरिड अ वुमन शुड नॉट हैव अ प्रोफेशन इन ग्लैमर लाइफ इन ब्यूटी वर्ल्ड. Third season that we are conducting tonight, and the last season was conducted in the midst of COVID. Definitely it wasn't easy, but we managed to do it. And after 3 years, definitely the expectations are very high. My batch is getting stronger each year, the competition is getting tougher each year, and I think with each passing year I see getting closer to Mrs. World crown. And definitely we also have a plan to soon conduct Mrs. World in India. तो जो खुद उस जर्नी से निकला है, जो खुद वो मकाम से निकला है हासिल करके, उसको जी के, और वो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है. आई थिंक नो वन इज़ बेटर देन हर टू ट्रेन द लेडीज, टू गाइड द लेडीज एंड टू मेक दम बिलीव, बिकॉज अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो. दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हर एंड दैट्स द रीजन वाई शी इज स्टैंडिंग हियर टुडे विद द क्राउन एंड सैड. ये इन्होंने पहनाया है मुझे 20 साल से. मैंने जब जीती थी तभी एक साल पहना था, उसके बाद में मेरे बॉक्स में पड़ा हुआ था. इन्होंने शी सेड नो यू विल वेयर योर क्राउन एंड यू विल वेयर योर सैश, सो इट्स ऑल थैंक्स टू हर फॉर वेयरिंग द क्राउन टुडे. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Aditi. Thank you so much, Mohini ma'am. We'll go for the photos.
2022 is Sarvagosha. आगे कैसे अपना जो है फ्यूचर चेंज होने वाला है आप लोगों का?
ये जीत के आई थिंक हम सबको इतनी खुशी हो रही है एंड एक दूसरे के लिए बहुत खुशी हो रही है एंड दैट इज़ व्हाट दिस पेजेंट इज़ अबाउट. इट्स अबाउट सिस्टरहुड एंड फ्यूचर में जाके हम सबको सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम करना है और वो थिंग आज से ही शुरू होता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर फेथ योर ट्रस्ट इन अस. वी आर गोना मेक इंडिया प्राउड. पहली बात तो ये कि मैंने जीतने का सोचा नहीं था और मैं इस पैजेंट में एक मामूली कंटेस्टेंट की तरह आई थी, पर इस जर्नी ने मेरे को बहुत बदल दिया है. इस क्राउन का वज़न मुझे अब महसूस हो रहा है, पर जितनी खुशी मुझे ये जीत के है उतनी खुशी इस चीज़ की भी है कि मेरे हस्बैंड जो अभी तक यहाँ नहीं थे वो अब यहाँ पे आके मेरी जर्नी में मेरे साथ है. आई हैव अ लॉट टू प्रूव, आई हैव अ लॉट टू डू, आई हैव टू मेक माई कंट्री प्राउड एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड एंड आई एम श्योर आई एम गोना गो प्लेसेस. या एक्चुअली इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि शायद वो वर्ड्स भी प्रॉपरली निकल नहीं पा रहे कि मैं एक्सप्रेस क्या करूँ. इस प्लेटफॉर्म ने हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है. मोहिनी मैम इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड आई थिंक सरगम जीती या मैं जीती या ये जीती, हम तीनों जो एक फीलिंग है एक दूसरे के लिए जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं दैट इज़ अमेजिंग. मतलब हम इतने खुश हैं कि शी वॉन बिकॉज शी गेव द बेस्ट डिजर्विंग आंसर. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट एक्चुअली एनकरेजेस टू सपोर्ट सिस्टरहुड एंड फ्रॉम हियर वील टेक अप ऑन आर एडवोकेसी. मैं यहाँ से जो महिलाओं और बच्चों के लिए करना चाहती हूँ जो मेरा उद्देश्य था वो मैं करूँगी अब आगे जाके एंड आई होप वील मेक यू ऑल प्राउड. थैंक यू. शादी के बाद जो फैमिली ने जिस तरह का सपोर्ट दिया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या सोचा था आपने कि शादी के बाद ये क्राउन पहनने का मौका मिलेगा? माता पिता और बाकी घर वालों की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ थी बचपन से, तभी शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं. शादी होना ना होना शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक उम्र के साथ आता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट. या क्या बॉलीवुड में या फिर बड़े पर्दे पर आप तीनों को देख पाएंगे? यू नेवर नो, लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड देर आर टू मेनी गोल्स टू फुलफिल. So all the things where the life takes. Yes. Abhi, there is better things to do than Bollywood and I think I want to do that first. I think hum pehle activist banna chahenge uske baad entertainer because hum yahan pe ek purpose se aaye the. Ye crown ek purpose ke liye stand karta hai aur hame wo purpose ab fulfill karna hai. And I think ultimately hum sab yahan par we want a better the livelihood for women. एंड जो आप बोलते हो कि फैमिली सपोर्ट करती है मैरिड वुमेन को, हम लड़कों को नहीं पूछते आपका फैमिली सपोर्ट करे आप शादीशुदा मर्द हो, तो आई थिंक मेरे लिए वो बदलना ज़रूरी है कि मैरिड और अनमैरिड लड़का या लड़की का अस्तित्व नहीं बदलता है एंड दैट इज़ व्हाट मिसेज इंडिया इंक इज़ अबाउट. थैंक यू सो मच.